नोएडा से खबर सामने आ रही है, यमुना के दूब इलाके में बने फार्म हाउस ध्वस्त कर दिए जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी ने फार्म हाउस संचालकों की आपत्ति को निरस्त कर दिया है। दूब इलाके में बने 100 फार्म हाउस मालिकों ने आपत्ति दी थी। एक भी संचालक ने प्राधिकरण में रजिस्ट्री की कॉपी जमा नहीं की है। आपत्ति लगाने वाले फार्म हाउस मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। 7 दिनों में फार्म हाउस मालिक खुद अगर ध्वस्त नहीं करते हैं तो पैसे की भी वसूली की जाएगी। अवैध फार्म हाउसों पर नोएडा विकास प्राधिकरण का पीला पंजा यानी बुलडोजर एक बार फिर गरजेगा। 1.5 से 2 माह पहले जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस वक्त बाकायदा नोएडा विकास प्राधिकरण ने फार्म हाउस मालिकानों से आपत्ति मांगी थी। तकरीबन 100 आपत्तियां आई हैं फार्म हाउस मालिकानों की तरफ से, लेकिन 100 की 100 खारिज कर दी गई हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण ने कहा था कि जो भी आपत्ति लगाए वो उसमें रजिस्ट्री भी शामिल करेगा। एक भी व्यक्ति यानी 100 फार्म हाउस मालिकानों में से कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री नहीं दिखा पाया, लिहाजा नोएडा विकास प्राधिकरण ने सारी आपत्तियां खारिज कर दी हैं और अब तैयारी कर रहा है नोएडा विकास प्राधिकरण जो अवैध फार्म हाउस यमुना खादर में बने हैं उन पर बुलडोजर चलाने की। कई लोग कोर्ट में चले गए हैं तो कई लोगों ने शासन से भी शिकायत करी है, लेकिन जिस तरीके से एक नियमों को ताक पर रख के यमुना खादर में यमुना के जो बिल्कुल कहते हैं कोख उसके अंदर घुसकर वहां पर आलीशान फार्म हाउस तैयार किए गए और उनके खिलाफ जब भारत समाचार ने मुहिम शुरू करी तब इन पर कार्यवाही भी हुई, तो अब दोबारा से कार्यवाही होगी। तकरीबन 100 फार्म हाउस हैं जिस पर नोएडा विकास प्राधिकरण कार्यवाही करेगा, तो देखना होगा आने वाले वक्तों में किस तरीके से कार्यवाही होती है और कितनी जमीन, कितनी गंगा की जमीन, यमुना की जमीन खाली कराई जा सकती है। कैमरा पर्सन सारित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। और इसी खबर पर हमारे साथ नोएडा से संवाददाता दानिश अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए ये जिस तरह से पूरे जो 100 जो फार्म हाउस है उनको ध्वस्त किया जाएगा, अब ये खबर सामने आ चुकी है और अगर खुद ही इनको ध्वस्त नहीं किया जाता है तो उसके बाद जुर्माना भी देना पड़ेगा। पूरा मामला क्या है दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए मई जून महीने में जो खादर के इलाका यानी जो यमुना की नदी के किनारे फार्म हाउस बनाए गए थे, क्योंकि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, नदी किनारे किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता, खेती नहीं हो सकती, कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद पिछले 10 से 12 सालों में यहाँ पर भूमाफियाओं ने बाकायदा फार्म हाउस काट लिए और वो फार्म हाउस छोटे मोटे नहीं हैं, आलीशान फार्म हाउस हैं जिसके अंदर कई बड़े नेता, कई बड़े बड़े अफसरों के फार्म हाउस हैं और उसको लीगल की वे में ले जाने के लिए पूरा ये कहें तकरीबन 17 किलोमीटर की जो ये बेल्ट है सब जगह फार्म हाउस बनाए गए हैं, लिहाजा उसको देखते हुए कार्यवाहियां शुरू हुई थी। जो भारत समाचार ने एक मुहिम छेड़ी थी इन फार्म हाउसों के खिलाफ, उसके बाद से मई जून में कार्यवाही हुई, लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण को कार्यवाही को लेकर बहुत से लोग शासन स्तर पर पहुंच गए, बहुत से लोग कोर्ट में पहुंच गए, डीएम ने आदेश दिया इस पर। जी देखिए दानिश, जब ये फार्म हाउस बन रहे थे तो क्या उस वक्त नोएडा अथॉरिटी जो है वो सो रही थी, और आखिर किसके कौन से वो अधिकारी थे जब ये फार्म हाउस बने, तो उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, किसकी मिलीभगत से ये फार्म हाउस वहाँ पर बनाए गए, और अब चूंकि खबर चलने के बाद इस पर कार्रवाई हो रही है तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनके जिनके रहते ये फार्म हाउस बने थे अवैध तरीके से। देखिए पूरा समझना होगा कि ये छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। 2009 से ये शुरुआत हुई थी, 2017 से 2022 तक ज़्यादा फार्म हाउस बने, इसकी लोकायुक्त जांच तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और कई लोगों को नोटिस तक सर्फ हुए थे 2014 में, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। मई जून में कार्यवाही होती है तो उसके बाद डीएम ने रोक लगाई निर्माण पर, डीएम ने जो है आदेश दिया कि आपत्ति दर्ज कराइए। 100 ऐसे फार्म हाउस मालिकान थे जो नोएडा विकास प्राधिकरण आए, उन्होंने आपत्ति दाखिल करी लेकिन उसके साथ रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री कॉपी नहीं ली गई, लिहाजा नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा स्टैंड लेते हुए, एक बड़ी कार्यवाही करते हुए साफ तौर से उन 100 के 100 मालिकानों की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया और साफ कहा कि 7 दिन के अंदर आप ये वो जो फार्म हाउस हैं उनको तोड़ दें, नहीं तो बिल्कुल दानिश, तो कहीं ना कहीं अब जो तमाम जो फार्म हाउस बने हुए हैं उनको तोड़ना ही पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दानिश इस तमाम जानकारी के लिए।